बिग बॉस सीजन 16 खत्म हो चुका है और सीजन 16 का विनर भी हम सभी को मिल गया। एमसी स्टैन ने बिग बॉस का सीजन 16 जीत लिया, साथ ही शिव ठाकरे पहले रनर अप बने, तो वहीं प्रियंका चार चौधरी दूसरी। लेकिन बिग बॉस के बाद अब कई और रियलिटी शोज जो हैं पाइपलाइन में हैं। कौन कौन से रियलिटी शोज हैं और कौन कौन से चेहरे आपको इन रियलिटी शोज में नजर आ सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आप देख रहे हैं फिल्मी बीट, मेरा नाम है लवी चौधरी। बात करें अगर बिग बॉस की, तो सीजन 16 के खत्म होने के बाद अब लोगों को इंतजार है खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 और लॉकअप सीजन 2 का। हालांकि लॉकअप सीजन 2 से रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूज हेडलाइंस जो हैं हवाओं में हैं कि कौन कौन से चेहरे आने वाले हैं। लॉकअप सीजन 1 के विनर मुनव्वर फारूकी थे, अब वो शायद खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में नजर आ सकते हैं। आप सभी को याद होगा कि जब सीजन 12 हुआ था उसके पहले मुनव्वर फारूकी भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, लेकिन कुछ कारणवश वो के 12 का हिस्सा नहीं बन पाए थे। फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर अपने फैन से माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि किसी रीज़न की वजह से रह गया हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन एंटरटेनमेंट आता रहेगा। मुनव्वर फारूकी के बाद बिग बॉस सीजन 16 के कुछ दमदार और पॉपुलर चेहरे जैसे कि शालीन भानोट, शिव ठाकरे और अर्चना गौतम को भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 का ऑफर मिला है। हालांकि एज पर द रिपोर्ट्स शालीन ने शो को मना कर दिया है। और रिपोर्ट्स क्या, बिग बॉस के घर में ही जब रोहित शेट्टी आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनको रेप्टाइल से और स्टंट से डर लगता है। हालांकि उन्होंने सबसे पहले स्टंट कंप्लीट किया था। तो अभी भी शालीन के लिए ऑफर जो है के 13 का वो अप है। अब देखते हैं शालीन हाँ कहते हैं या ना, क्योंकि शालीन थोड़े कंफ्यूज्ड आदमी हैं, ये तो हम सभी को पता है। साथ ही अर्चना गौतम और शिव ठाकरे भी हमें के 13 में नजर आ सकते हैं। इन सारे कंटेस्टेंट्स के अलावा एक्टर नकुल मेहता, जिनको हमने बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 में देखा, और उन्हीं के साथ उनकी को एक्टर यानी कि दिशा परमार भी के 13 का हिस्सा बन सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिशा परमार के पति यानी कि राहुल वैद्या के 11 में नजर आए थे। हालांकि राहुल ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन देखते हैं कि क्या दिशा उनका ये अधूरा सपना पूरा कर पाती हैं। अभी तक के 13 की टीम से या फिर रोहित शेट्टी की तरफ से इस लिस्ट पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, तो अभी तक ये सिर्फ रूमर्स हैं। लेकिन भला कौन नहीं चाहता कि शिव ठाकरे, अर्चना गौतम, शालीन भानोट, नकुल मेहता, दिशा परमार और उनके साथ मुनव्वर फारूकी जैसे चेहरे खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में दिखे। सीजन 12 के विनर रहे थे तुषार कालिया, अब देखते हैं सीजन 13 में कौन धमाका करता है, साथ ही फैंस का दिल कौन जीतता है, क्योंकि बिग बॉस सीजन 16 की ट्रॉफी से भले ही शिव ठाकरे, शालीन भानोट और अर्चना गौतम पीछे रह गए हों, लेकिन लोगों के दिलों पर उन्होंने जमकर वार किया है और उनकी हर चीज़ ने लोगों को काफ़ी इम्प्रेस किया है और फैंस का जो उनका एक्सपेंशन हुआ है वो तो काफ़ी ज़बरदस्त था। तो देखते हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में कौन बनता है इस बार का सबसे अच्छा स्टंटमैन या वुमेन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में आप किसको देखना चाहते हैं। इसी के साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी ज़रूर लाइक कीजिएगा।